Discussing class 10, heating effect of electric current, and we derive the three formula of heat, H is equal to VIT, second, H is equal to I square RT, and third formula is H is equal to V square upon R into T. उसी टाइप से आज जो कल हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी टाइप पे जो क्वेश्चन बेस्ड है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम लोग आज से बड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन माइंड में एक चीज याद होनी चाहिए आप लोगों को कि हम लोगों ने हीट के तीन फॉर्मूले डिराइव किया था कल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। फर्स्ट डिराइव किया था फॉर्मूला, अगर ध्यान से देखिएगा, एक तो फॉर्मूला डिराइव कर रहा है टू बी इंटू आई इंटू टी, सेकेंड I square RT, and third H equal to V square upon R into T। अभी बात समझ रहा? तो कल हम लोगों ने तीन फॉर्मूले डिराइव किए थे, H equal to VIT, second H square RT, and third V square R upon into T। उसी तीन टाइप के जो क्वेश्चन है, तीन फॉर्मूला उसी के ऊपर आप क्या करने वाले बेटा, क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं तीन फॉर्मूले पे दो क्वेश्चन में राइट कराऊंगा, सॉल्व आउट कराऊंगा, और दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। बात समझ आ गई? लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ। ऐसे यूनिट ऑफ हीट, ऐसे यूनिट ऑफ हीट इज जूल। याद रखिएगा बेटा कि हीट को हमेशा किसमें मेजर करते हैं बेटा, जूल में हमेशा मेजर किया जाता है। बात समझ आ गई? ऐसे यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, अगर आपने सुना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थ्री मैं फॉर्मूला लिखा मेरा, यहां से वापस एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, V into I into T, सेकंड I square R T, थर्ड फॉर्मूला क्या था बेटा, V square upon R into T। ओके, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपकी बुक का क्वेश्चन बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिया है बुक का, क्या क्वेश्चन मेरे ध्यान सुनना, अ नाइट्रोम वायर, a nitrogen wire of 50 ohm resistance is connected with a 10 volt battery। क्या कह रहा बेटा, एक नाइट्रोन का वायर था, उसके 50 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, और बैटरी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 volt की बैटरी से वो कनेक्टेड था। दैट करंट इज पासिंग थ्रू दिस वायर फॉर 1 आवर, यानी उसके अंदर जो करंट फ्लो होती थी बेटा, कितने घंटे तक, 1 घंटे तक वो करंट कंटिन्यू फ्लो हो रही थी। वापस मैं बोल रहा हूं, ये नाइट्रोन का वायर था, उसके अंदर 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, और बैटरी की जो वैल्यू थी बेटा वो कितनी थी, 10 वोल्ट बैटरी की वैल्यू थी, और करंट कंटिन्यू जो फ्लो हो रहा था वो कितना आर हो रहा था बेटा, 1 आर फ्लो हो रहा था। क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट हीट जनरेट, यानी उसके अंदर जैसे ही मैंने कहा है कि 50 ओम का रेजिस्टेंस 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें 1 आर का कंटिन्यू करंट फ्लो करवाता हूं, तो जो बैटरी है या नाइट्रोन का जो वायर है बेटा, वो कितना हीट जनरेट करता है, उसको करना बेटा फाइंड आउट करना है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा, कि हमेशा टाइम की असाइनमेंट क्या होती है बेटा, असाइनमेंट ऑफ टाइम इज सेकंड, टाइम की असाइनमेंट क्या होती है बेटा, सेकंड। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा बेटा, गलती नहीं करते सबसे ज्यादा बच्चे, कि जो भी यहाँ क्वेश्चन आता है वहां पे टाइम चेंज हो गया है, बात क्वेश्चन सारी चीजें जी मिल जाएगी हमको, लेकिन वहां पर टाइम जान बूझ के आपको किस में देगा, आर में देगा या मिनट में देगा, लेकिन होती किसमें है, टाइम किसमें मेजर करते बेटा, सेकंड में मेजर करते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आर है या मिनट है उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो सॉल्व आउट करते देखो बेटा, अगला लाइन कर लेता हूं, क्या गिवन है, गिवन क्या आपके पास, एक तो गिवन है बेटा 50 ओम, ओम किसके ऐसे ही मिलते बेटा, रेजिस्टेंस के उसमें आ गिवन है, सेकंड क्या गिवन है 10 वोल्ट, वोल्ट किसके ऐसे ही मिलते बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और क्या गिवन है बेटा, टाइम गिवन है कितना 1 आवर। अब बेटा 1 आवर को किसमें चेंज करोगे, सेकंड में, 1 आवर में सेकंड कितना होता बेटा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर के अंदर। बात समझ आ गई बेटा, फाइंड आउट क्या करना बेटा, हीट मेजर करना। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को तीन फॉर्मूला बताया है, बस एस इक्वल टू वी आई टी, सेकंड आई स्क्वायर आर टी, थर्ड वी स्क्वायर अपॉन आर इनटू टी। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, बेटा मैंने एक ही बात बोली, जो क्वांटिटी तीनों चीज गिवन है वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, लेकिन दिमाग में आपको ये रन रखना है कि तीनों फॉर्मूले दिमाग के अंदर होना चाहिए, कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, जो जो क्वांटिटी गिवन होगी वो पुट करनी बेटा, पुट अप करनी है। तो फॉर्मूला देखो बेटा, इसमें आर भी गिवन है, बी भी गिवन है, टी भी गिवन है, कौन सा लगाओगे, जिसमें बी भी गिवन, आर भी गिवन, टी भी, थर्ड फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाऊं बेटा, थर्ड, यार फॉर्मूला मैंने क्या लगाया बेटा, जल्दी सुनना,
एच वैल्यू बी स्क्वायर आर इंटू टी एच इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी बेटा टेन टेन का स्क्वायर टेन कितना बेटा 3600 आर की वैल्यू कितनी बेटा 50 ओम टेन का स्क्वायर 100 इंटू 3600 अपॉन 50 52 जा कट आउट एच इक्वल टू कितना आ बेटा 7200 अब बेटा इसके ऐसा ही नहीं यानी इसको ये जो फाइंड आउट करिए ये कितना है बेटा 7200 ये यहां फाइंड आउट हुई है इस क्वेश्चन में लेकिन याद रखना इसको मल्टीप्लिकेशन कर बेटा जूल यानी क्या लिखोगे हमेशा जूल बात सुन भाई क्या सर भाई क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन जो है एटम करोगे उसको सॉल्व करोगे ध्यान से देखिए कोई प्रॉब्लम पूछिए कुछ नहीं किया बेटा तीन फार्मूला है तीनों में से कोई भी लेकिन एक चीज इंडिकेट करके ध्यान दीजिएगा कि हमेशा यहां पे जो टाइम गिवन होगा वो हमेशा किस में गिवन होगा बेटा आपको आर में या मिनट में गिवन होगा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बात समझ आ गई जल्दी देखिए सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं अपन
गया। फिर दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन आप राइट आउट करोगे और उसको क्या करोगे बेटा, सॉल्व आउट करोगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को मैं समझा भी दूंगा आप लोगों को। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में जो होमवर्क दे रहा हूं लिखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट 0.5 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट पासेस टू द सर्किट एन 10 मिनट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन 220 वोल्ट सोर्स ऑफ बैटरी फाइंड आउट हीट जनरेटेड। ओके सही क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू 200 ओम रेजिस्टेंस विद द सोर्स ऑफ बैटरी इज 110 वोल्ट। Find out the find out the generated by electric iron in 2 hours। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन इलेक्ट्रिक सर्किट 0.5 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पीयर पासेस थ्रू द सर्किट इन 10 मिनट, करंट कितनी 10 तक फ्लो हो रहा 10 मिनट तक, द इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड इन 220 वोल्ट सोर्स ऑफ बैटरी, बैटरी की वैल्यू कितनी है बेटा 220 दे रखी है। क्या फाइंड आउट करना बेटा, ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, आई गिवन है, टी गिवन है, बी गिवन है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा लगाना, तीन फार्मूले मैंने लिखे हैं, एच वैल्यू बी आई टी एच टू आई एच टू आर टी एच टू बी स्क्वायर आर टू टी कौन सा लगाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, एक इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू 200 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 200, द सोर्स ऑफ बैटरी इज 110 वोल्ट, एंड बी की वैल्यू कितनी है 110, फाइंड आउट द हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक आयरन इन 2 आवर, 2 आवर में हीट की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आई बेटा, आज आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैंने करवाया कुछ नहीं करवाया बेटा, इन तीन जो फॉर्मूले थे उसके ऊपर मैंने क्या करवाया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए हैं, ये दो क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर राइट अप किया उसको सॉल्व आउट करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी आप इसे डिस्कस करेंगे। और कल से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करने वाले, इसी चैप्टर का रिलेटेड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पूरा पार्टिकल पार्ट बेटा, अब न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, जितने भी अपन पढ़ने वाला हो पार्टिकल पार्ट है, मुश्किल से 2 या 3 डे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो घर रहिए बेटा और पढ़ते रहिए।